अस्सलाम असल नाजरी आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं इमरान खान हूँ दो दिन की छुट्टी थी मैं आपसे बात नहीं कर पाया और रीज़न आप सबको पता है कि मुझे दोबारा अरेस्ट कर दिया गया था और मुझे मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं गल्फ़ में मौजूद थे बल्कि वो भी अब पाकिस्तान वापस आ गए इसी चक्कर में जल्दी से फ़्लाइट लेके और कुछ और भी फैमिली के लोग जा रहे थे और मुझे भी मेरी कमिटमेंट थी मुझे जाना था यू ए और इससे पहले भी मैं गया था दो दिन के लिए और फिर मैं वापस आ गया था तब भी बड़े अफसाने बनाए गए थे यही मेरा मुल्क है यहीं पे मुझे रहना है और ना मेरा इस मुल्क से बाहर कुछ है और ना मैं इस मुल्क से बाहर रहना चाहता हूँ सब कुछ इस मुल्क में ही है मेरा और जो कुछ मुझे दिया वो इस मुल्क ने दिया और जो कुछ भी मैं बना इस मुल्क से बनाऊँ तो मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ ये एफ़ जो है ये मेरे ऊपर दर्ज की गई थी आज से दो महीने पहले मुझे इस एफ़ का पता चल गया था जब एफ का मुझे पता चला तो मैंने अपने दोस्तों से रबता किया लेकिन जो एफ वाले हैं उन्होंने ये एफ के बारे में हमें बताने से इनकार कर दिया और उन्होंने इसको छुपा कर रखा हुआ था कंसील कर दी थी एफ छुपाई हुई थी तो हमने बड़ी कोशिश की नहीं बताया और उन्होंने फिर हमने कानूनी तौर पे उनको लेटर्स भी लिखे फिर हमने हाई कोर्ट में जाके वहाँ से भी अदालत के थ्रू भी उनसे ये सवाल उठाया तो उन्होंने वहाँ पर भी मिसलीड किया और सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी मेलाफाइड है ये सारा कुछ और ये कोई क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आए इनके अपने हाथ लुथड़े हुए हैं एक एक तो जाली एफआईआर बनाई फिर उसको छुपा कर रखा कि किसी मौके की मुनासबत से ये कार्रवाई डालेंगे तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे मुझे पता चला और वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपके ऊपर एफ़ है और आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में है मैंने वो पहले वाला सवाल किया मैंने कहा कि मुझे बताया मैंने घर जाना है या गिरफ्तार होना है यहाँ से उन्होंने कहा थोड़ी देर में आपको बताते हैं आप बैठ जाएँ मैं बैठ गया इन्होंने सारे निज़ाम को हिलाना शुरू किया और मुझे आइडिया हो गया कि ये बात बहुत दूर तक जा रही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी वहाँ ऑफिसर्स में बाद फाइनली डिसाइड किया गया कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा उन्होंने मुझे आकर बताया कि सर आपको गिरफ़्तार करेंगे मैंने कहा वेलकम आ जाएँ जौन सी भी एफ आई आर है उसमें मुझे गिरफ़्तार कर लें थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझे पिछले गेट से निकाला गया एयरपोर्ट के क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन था तो मैंने ट्विटर पर बता दिया कि मुझे यहाँ से अरेस्ट किया जाएगा और मुझे रोक लिया गया दोबारा से अब वो जो सारे लोग ये कहते थे ना कि हमने अरशद शरीफ को नहीं रोकना था और वो जो सारे लोग ये कहते थे अगर हम रोकना चाहते तो हम रोक लेते तो देखें ना ऐसे रोकते हैं याद है ना आपको लोग कहते थे कि अरशद शरीफ को अगर रोकना चाहते तो हम रोक लेते तो ऐसे रोकते हैं भाई हर चीज़ का पोल खुद ही खुल रहा है हर चीज़ खुलकर सामने खुद ही आ रही है मैं तो कहीं नहीं जा रहा था मुझे तो वापस आ जाना था रिटर्न टिकट है मेरे पास और मैं फिर जाऊंगा फिर वापस आऊंगा मेरी आज़ादी है मेरा राइट है मैं दुनिया में जहाँ मर्जी ट्रैवल करूँ पूरी दुनिया में, में मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं मेरा हक है मैं उनसे जाकर कर मिलूँ और उनका हक है कि वो मुझे बुला के मेरे से मिलें तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा जाने आने का लेकिन अरशद शरीफ भाई का कहा हुआ एक एक जुमला सच साबित हो रहा है ना सिर्फ वो सच साबित हो रहा है बल्कि जिन्होंने उनके शहादत के बाद झूठ बोला जिस जिसने उसका झूठ भी अब साबित हो रहा है कैसे रोकते हैं हमने एक मरतबा फिर तमाशा देखा लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया गया पिछले गेट से निकाला क्योंकि सामने वाले गेट वे को लोग इकट्ठे हो गए थे उसके बाद मुझे पिछले गेट से निकाल कर एफ़ आई ए के ऑफ़िस में पहुँचाया गया और फिर जो सलूक होता है बड़ी कोशिश की गई कि मेरे से मेरा पासवर्ड लिया जाए मेरे लैपटॉप का और मेरे मोबाइल फ़ोन का तो मैंने उनको नहीं दिया फिर पासवर्ड और ना मोबाइल फ़ोन का भी नहीं दिया वो इसलिए मैं नहीं दे रहा था कि बहुत सारे मेरे ऐसे सोर्सेज हैं जो मुझे ख़बरें भेजते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पे एतबार करते हैं और वो सब लोग मुझ पे जब एतबार करते हैं और मुझे ख़बरें भेजते हैं तो वो ये सोच कर भेजते हैं कि ये इंफॉर्मेशन महफूज़ रहेगी तो मैं उन सबको रिस्क में नहीं डाल सकता था इवन बहुत सारे करीबी दोस्त हैं उनको मुश्किल पैदा हो जाती है उनके लिए फिर जब पता चलता कि ये वाली ख़बर तो ऐसे आती है तो सहाफ़ी वैसे भी अपना सोर्स नहीं बताता तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताता और मैंने अपना पासवर्ड नहीं दिया उन्हें काफ़ी जोर लगाया बहुत ज़्यादा यानी जितना वो कह सकते थे वो मुझे करते रहे लेकिन अल्लाह ताला तब्र देने वाला है और फिर मैंने उनको अपना पासवर्ड नहीं दिया पहले दिन मुझे अदालत में पेश करना था उन्होंने नहीं किया दूसरे दिन पे ले गए मामला और दूसरे दिन अदालत में पेश किया और फिर अदालत के अंदर मुकदमा चला हमें इंसाफ की उम्मीद जो है ना वो सिर्फ अदालतों से होती है मैंने जज साहब से आज दो तीन बातें की हैं वो मैं आपके सामने यहाँ करना चाहता हूँ एक तो मैंने उन्हें बताया कि हम चोट खाए हुए हैं बड़ी तकलीफ में है पहले और शायद इसी वजह से हमको तल्ख भी हैं या हम थोड़ा सा हमारे जज्बात ज्यादा हैं हमारे अंदर थोड़ी सी एग्रेशन पैदा हो चुकी है वजह यह है कि मार खाई हुई है तकलीफें बर्दाश्त की हुई हैं दर्जनों मुकदमात हैं इसका पूरा एक बैकग्राउंड है फैमिलीज को हरासा किया गया है हमें हरासा किया गया है पर्सनल लाइफ खत्म करके रख दी है फैमिली के जो लोग कारोबार करते थे उनके कारोबार तक उड़ा के रख दिया मैं कभी इस बारे में बात नहीं करता हूं करूंगा भी नहीं क्या शिकवा करें अपने लोगों से फिर जो हमारा सबसे प्यारा दोस्त था उसके लिए ज़मीन इतनी तंग की गई कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया फिर वो लाश आई वापस और अब भी इंसाफ नहीं देते तो हम चोट खाए हुए हैं मैंने जज साहब से अर्ज किया कि जज साहब मेरी तो मां के पास और बेटे हैं लेकिन अरशद शरीफ की मां के पास अब कोई बेटा नहीं है अब वो कोई और बेटा इस मुल्क को नहीं दे सकती उसके दो बेटे थे उसने दोनों दे दिए हैं मैं जब उनको मिलता हूं माजी को तो उनको फेस ही नहीं कर पाते हम लोग कैसे फेस करेंगे आप उनको सारी जायदाद लुटाकर बैठी हैं अपनी और वो भी पहाड़ जैसे चट्टान जैसे हौसले के साथ फिर वो आपको हिम्मत दे रही होती है तो उन्होंने उस दिन मुझे एक जुमला बोला जब आखिरी मरतबा में मिलकर आया और उन्होंने कहा कि ठीक है सारी बातें पर अरशद तो वापस नहीं आएगा ना तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब अरशद शरीफ भी अपनी ज़िंदगी में अदालत में ही आया था और उसकी माँ भी इसी अदालत के अंदर ही आ रही है और अगर इस रास्ते में हमें कुछ हो जाता है या मैं नहीं रहता और मुझे पता है कि ये हो सकता है तो मेरे बाद मेरे लोग भी मेरी फैमिली भी इसी अदालत में आएंगे क्योंकि हम दो चीजों के बलबूते पर बोलते हैं हमारे अंदर जो हिम्मत है वो दो चीजों से पैदा होती है नंबर एक अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है और नंबर दो हमें हम अदालत के बलबूते पर बोलते हैं कि यहां से हमें इंसाफ मिल जाएगा पहले भी हमें अदालतों ने छोड़ा अदालतों ने इंसाफ दिया और आज भी अदालतें ही हमारा फ़ैसला करेंगी मुझे नहीं पता था कि अदालत मुझे रिमांड पे भेजती है मुझे जुडिशल करके जेल में भेजती है या इस केस में मुझे बड़ी ज़िम्मा करार देते हुए बाइजत बड़ी कर देती है मैं नहीं जानता था लेकिन हमने अपना केस ड साहब के सामने रखा और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो सब लोग बाहर आ गए थे अदालत में भी कुछ लोग एहतजाज करते रहे कुछ लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहे कुछ दोस्तों ने बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई मैं उनके सबके नाम नहीं ले सकता हूँ लेकिन स्पेशली मैं सोशल मीडिया के लोगों का अपने दोस्तों का उन लोगों का जो फिज़िकली आए फैमिली का उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तौर पर सहाफ़ियों का और वकला का सहाफ़ियों का वकला का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बोलने का हक आपसे कोई छीन ले आखिर में जाके तो वो आपके पास फिर बचता कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया गया हर चीज का गुज्त आठ से दस महीनों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और जिन लोगों ने सब कुछ बर्बाद किया है उनको फार्मूले बनाकर दिए जा रहे हैं कि जनाब अभी आपको और मौका दिया जाएगा ताकि आप मजीद बेड़ा गर्क कर दें इलेक्शन भी टाइम पे नहीं करवाया जाएगा एक साल की और एक्सटेंशन देने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं ताकि जिन्होंने बर्बादी फेरी है वो पूरी बर्बादी फेरें पता नहीं कहाँ से ये साइफर हुकूमत बनी और किस तरीके से इन्होंने ये सारा मनसूबा बन बनाया और ये पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं कभी कभी शक होता है कि शायद पाकिस्तान के वफादारी नहीं है शक होता है जब ये सारा कुछ होता हुआ हम देखते हैं तो और तकलीफ भी बहुत होती है तो अदालत ने हमें एक मरतबा फिर इंसाफ दिया और बाजत बरी किया जिस तरह पहले वाली 22 एफ मेरे ऊपर जो कटी उनमें से बेषतर और सारी रद्दी की टोकरी में गई वैसे ये वाली एफ भी रद्दी की टोकरी में गई पूरा पोस्टमार्टम किया वहां पे मियाँ अली अशफाक ने मेरे भाई ने दोस्त ने और कमाल के आर्गमेंट किए उसने मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो बात कर रहे थे एक एक चीज का उन्होंने पोस्टमार्टम किया और अदालत को कन्विंस किया कि के ये केस बोगस है ये केस गलत है हम जब पूछ रहे हैं कि हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं बताइए हमारी एफ आई कहाँ है अदालत पूछ रही है तो वह और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जाना चाहिए मैं अली से बात कर रहा हूँ कि हम जाएंगे और जाकर तोहनी अदालत की कार्रवाई करवाएंगे कि हम इन्हें पूछ रहे हैं कि एफ आई है तो ये छुपा रहे हैं अदालत पूछ रही है तो पूछ रहे हैं छुपा रहे हैं तो ये अदालत की तोहन है तोहनी अदालत की कार्रवाई में हम जाएंगे अब और करवाएंगे इन इससे बड़ी ज़्यादा तो नहीं हो सकती कि अब आपको अदालतों की भी बात उसके अंदर वजन नहीं लगता और आप अदालतों के अहकाम भी नहीं मानते तो ये जनाब सारी सूरत हाल थी इसकी वजह से मेरी और आपकी बात नहीं हो सकी दो दिन तक लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मैं अपने आप को बदल नहीं सकता था मैं ऐसे ही बात करता रहूंगा ऐसे ही बोलता रहूंगा और अगर माजी में मेरे से गलतियां हुई हैं जो बिल्कुल हुई हैं वो अब नहीं होने दूंगा मैं यानी हमने बहुत सारी चीजों को जैसे माशिर तुलूम में पढ़ा हमें वैसे ही लगता था लेकिन रियलिटी कुछ चीजों में मुख्त है और कुछ चीजों में बिल्कुल वैसे ही है जैसी हम पढ़ के आए हैं ये खेल तमाशा अब इस मुल्क के साथ बंद होना चाहिए मैं इस बात के लिए कन्वेंस हूं जो भी आवाज उठाएगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा और यह उसूल बनना चाहिए इस मुल्क के अंदर कि मुल्क का फैसला मुल्क के लोग करेंगे बंद कमरों में होने वाले फैसलों को नाम तस्लीम करेंगे और ना उन फैसलों से इस मुल्क को चलाने देंगे किसी को यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि चंद लोग बैठें और बैठ के उसके ऊपर हुक्मरानी करें नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये मुल्क पाकिस्तानी चलाएंगे पाकिस्तानियों का ये हक है और हम पाकिस्तानी ये हक हमसे जो भी छीनेगा उससे वापस छीन लेंगे और पाकिस्तानी अब इस मूड में आ चुके हैं कितना दबाएंगे कब तक रोकेंगे इलेक्शन को अल्टीमेटली आपको यहां पे आना पड़ेगा और इलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा धांधली करेंगे फिर भी आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी साहब इस मुल्क के चलने के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क के लोगों को एतमाद हो गई हुकूमत जो बनी है वो उन्होंने बनाई है और फिर वो खुशी के साथ इस मुल्क में कारोबार करें पाकिस्तान फले फूले यही इस मुल्क का हल है अगर किसी भी हुकूमत को ज़बरदस्ती अगले पाँच साल के लिए बैठाएँगे तो जैसा ये एक साल गुजरा है अगले पाँच साल फिर वैसे ही गुजर जाएंगे खुदा ना खास्ता और कब तक करेंगे ये फाशिस्ट कार्रवाइयाँ कभी इसको पकड़ो उसको नंगा करो उसको मारो उसके मुँह पे कपड़ा डालो उसको करंट लगा दो उसको जो है वो सड़कों पे फिराओ उसको जगाते रहो उसके घर पे जो है पैरें ले जाओ उसके घर पे ड्रोन कैमरा ले जाओ उसको इस तरीके से हरासा करो ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर किस किस्म की ब्लैकमेलिंग हो रही है और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में दहशत हो रही है जब पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं उन पर भी मैं बात करता हूँ लेकिन आप ये देखें ना मुल्क की हालत क्या है ज़र मुबादला के पाकिस्तान के जो ऐर हैं, वो ख़तरनाक हद तक गिर गए हैं सिर्फ तीन अरब अमरीकी डॉलर्स हमारे पास बाकी हैं और इतना पैसा तो हमने सिर्फ सऊदी अरब से लेकर रखा हुआ है हमारे पास अपना क्या रह गया यू के पैसे दो अरब डॉलर वो हैं चाइना के पैसे वो भी हमने लिए हुए हैं ये सारे पैसे इकट्ठे करें हमने तो लोगों के पैसे खर्च कर दिए हैं हमारा अपना तो ख़त्म हो गया कब का और ये इम्पोर्टिड हुकूमत ने किया है साइफर हुकूमत ने किया है आने के बाद ये किया इन्होंने आज की डॉलर की प्राइस जहां पर डॉलर बंद हुआ है वो देखें आप यानी मेरे अंदर जाने और बाहर आने के दौरान फिर डॉलर दस रुपए बढ़ गया है यह हालात किए इन्होंने पाकिस्तान के इस वक्त जो डॉलर की कीमत है दो रुपए की तारीखी सतह के ऊपर पहुंचा हुआ है डॉलर और ये इंटरबैंक का बता रहा हूं मैं आपको इंटरबैंक के अंदर ये इस वक्त ये प्राइस है डॉलर की इंटरबैंक में और जो ओपन मार्केट में अब आपको 300 का भी नहीं मिलता डॉलर ये पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया है और प्लान किया जा रहा है कि इन लोगों को और मौका दिया जाए उधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक फैसला किया है उन्होंने कहा जी हम नहीं आते आपकी ए में ए कर रहे हैं जी दहशत से निमटने के लिए शहबाज शरीफ साहब मुझे तो लगता है एक शौक पूरा कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान जाना चाहिए शहबाज शरीफ को और बिलावल जरदारी को और उनके साथ जाकर बात करनी चाहिए निगोशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए अफ़गान सरजमीन का जो इस्तेमाल है उसको बंद करवाना चाहिए वहाँ जाते ही नहीं उससे बात ही नहीं करते उस तरफ कदम उठाने को तैयार नहीं है कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा यूरोप नाराज़ हो जाएगा उन्हें कुछ करने के लिए इधर मुँह ही नहीं करते आपस में बैठ के क्या आपने तय करना है जहाँ मसला है वहाँ आप जाने के लिए तैयार नहीं है पूरी की पूरी फॉरन पॉलिसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है खत्े के बहुत सारे मुल्कों को आपने नाराज़ कर दिया है जिनको आप मनाने में लगे हुए हैं वो भी आपको पैसे नहीं दे रहे और अगर वो आपको पैसे दे भी दें तो वो पैसे भी एक दिन खर्च हो जाएंगे और वो आपको जो कर्जा देंगे वो कर्जा जब आपका खर्च हो जाएगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर खुशहाली हो जाएगी नहीं होगी साहब आपके पास सोलह इशारिया दो अरब डॉलर थे अब तीन अरब डॉलर रह गए हैं अगर आपको कोई दस अरब डॉलर भी दे देना वो तो उम्मीद नहीं है वैसे एक दो अरब डॉलर की उम्मीद है अगर आपको कोई दस अरब डॉलर भी दे देना दे तो आप चार पांच महीने में वो भी खत्म कर देंगे फिर क्या होगा नया कर्जा भी चढ़ जाएगा इकोनॉमी भी ठीक नहीं होगी इकोनॉमी तभी ठीक होगी जब सियासी इस्तेकाम आएगा और लोगों के अंदर उससे एक एतमाद पैदा होगा और लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी जेब से पैसा निकालेंगे अदरवाइज नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक साफ ने भी कह दिया उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे पी में वो जा भी सकते थे मेरे ख्याल में इसके बावजूद उन्हें चले जाना चाहिए था मुखालिफिन को मौका नहीं देना चाहिए था और जाके शिरकत कर देते अपने दो लोगों को भेज देते लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को एक तरफ गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर हमें कहते हैं आओ बैठो बात करते हैं पार्लीमेंट के अंदर पाकिस्तान तरीक़ानसाफ मौजूद थी उसको जिस तरीके से ढूंढे तरीके से निकाला गया है उसके बावजूद कहते हैं आओ बैठो बात करते हैं तो पाकिस्तान तरीके इसाफ के बहुत सारी रिज़र्वेशन हैं और उसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि हम इस मीटिंग के अंदर आकर नहीं बैठना चाहते मेरे ख्याल में इन्हीं रिज़र्वेशनस के साथ वो अपने बादल पर काली पट्टी बांध के या कोई एहतजाजी सिम्बॉलिक एहतजाज करते वो इसके अंदर शिरकत उनको करनी चाहिए थी क्योंकि ये मामला किसी एक पोलिटिकल पार्टी का नहीं ये पाकिस्तान का है और उस मामले में उनको आना चाहिए था यह मुझे लगता है बहरहाल पाकिस्तान तरीके साहब की अपनी सोच है और उसके बारे में खुद बताएंगे कि उन्होंने यह फ़ैसला किस बुनियाद पे किया और कौन कौन सी चीज़ें उनके दिमाग में थी तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि जब तक दोबारा मुझे इस तरह की सूरतयाल का सामना नहीं करना पड़ेगा तब तक हमारा कंटिन्यूसली रबा रहेगा अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी तमाम लोगों का दुआएँ करने के लिए बहुत शुक्रिया जजाकला